जिनके लिए सारा सारा संसार उनके लिए भक्ति के लिए माननीय है। तो आप सोचो कि परशुराम जी ने अपनी माता का सर काटने के बाद में क्या प्रायश्चित नहीं किया होगा, कितना प्रायश्चित नहीं किया होगा, सोचो आप। जैसे केकई ने राम को वन भेजने के बाद में प्रायश्चित किया, ऐसी स्थिति तो परशुराम की भी रही होगी ना। परशुराम पर छाए जो दाता, उनने माता का सर काटा। अच्छे बुरे को बुरा बनाता, अच्छे भले को बुरा बनाता, व्यक्ति अपना रंग दिखाता, व्यक्ति अपना रंग दिखाता। कभी धूप है कभी है छाया, किसी ने तेरा पार न पाया। तुमने क्या है कब कर देना, भेद किसी ने कभी न जाना। कभी तुम शत्रु कभी सहायक, क्या कोई समझे ग्रहों के नायक, क्या कोई समझे ग्रहों के नायक। इसीलिए उनको ग्रह नायक कहा गया, इसीलिए सर्वोच्च न्यायाधीश कहा गया कि जब आठ ग्रहों की न्यायपालिका में आपका केस खारिज हो जाए तो बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपील होती है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायाधीश का पद उनको मिला कि आखिरी अंतिम फैसला जो है पूर्व जन्म के खाते के अनुसार अब शनिदेव करेंगे। पूर्व जन्म की है सारी बातें, याद तुम्हें हर जीव की घातें। जैसा तुमको कहे विधाता, जैसा तुमको कहे विधाता, वैसा वैसा जाल बिछाता। हो निहार है हो कर रहती, शनि पर यूं ही उंगली उठती। ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी, इसका चक्कर कभी न छोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं, कितना भी हवन करो, कितना भी यज्ञ करो, कितना भी अनुष्ठान करो, कितना भी व्रत करो, कितना भी दान करो, कितनी भी यात्राएं करो, पर आप जब तक अपने अंदर से अपने आप को नहीं बदलोगे, ये सब बेकार है, सब दिखावा है, सब हाथी स्नान है। हाथी स्नान कैसा होता है, हाथी स्नान समझ लो, हम सब वही कर रहे हैं। इसीलिए ये यज्ञ हवन पूजा दान पुण्य हमारे प्रारब्ध को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, मिटा नहीं पा रहे हैं। हाथी नदी के किनारे जाता है, नदी के पास जाता है, नदी में नहाता है, तालाब में नहाता है, डुबकियां लगाता है, खूब देर तक के सूर से पानी डाल डाल के आनंद उठाता है, बढ़िया सुंदर हो जाता है, काले से गोरा नहीं होता, पर बढ़िया स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद में फिर हाथी आता है नदी किनारे में, देखता है रेती है, मिट्टी है, बढ़िया है, उसका मोह भंग हो जाता है, उसका मन में भाव कुछ और ही हो जाता है, वह लोट लगाता है मिट्टी में और रेती में। अभी स्नान किया था, स्नान करने के बाद में जब मिट्टी में आया, तट पर आया, मन बहक गया, अब उसने सूंड से मिट्टी भर भर के अपने ऊपर डाल रहा है और खेल रहा है। हम क्या करते हैं, बस यही करते हैं, खूब दान पुण्य धर्म तपस्या करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, आगे से हम ये खाना छोड़ देंगे, हम वहाँ जाएंगे तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, हम दूसरों के लिए सुख देंगे, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। ना जाने अपने ऊपर में कितने सारे कवच बनाते हैं और कितनी मन्नतें करते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करना, देर हो गई, क्षमा करना, ये गलती हो गई, बहुत सारी बातें हम भगवान के आगे प्रेयर करते हैं, और घर में आने के बाद जैसे थे हम वैसे ही हो जाते हैं। घर में आए तो सास अपने सास के रोल में आ जाती है और बहू अपने मुख बहू के पद पर पहुंच जाती है। फिर बिल्कुल वही हो जाता है हाथी स्नान, कि जब हाथी स्नान कर रहा था तो कुछ और था, और स्नान के बाद में जब लोट लगा रहा था, फिर अब वो घर की स्थिति में हम मूलतः हाथी की लोट में पहुँच जाते हैं। तो यही बात है, यही कारण है कि वो जो भी हमारी पूजा है फलती नहीं है।
और जब पूजा का फलने का प्रश्न आता है तो मैंने कहा ना कि आपकी पूजा दान क्यों नहीं फल रहा है, इसलिए नहीं फल रहा है कि आप अंतर मन से नहीं बदले हो, सिर्फ वो दिख रहा है कि आप बदल गए हो, धर्मात्मा बन गए हो, आपका आचरण दिखने वाला धर्मात्मा है, मन आपका जो है वो आध्यात्मिक या ज्ञानी या धर्मात्मा या अंतर आत्मा जो आपकी है वो पवित्र नहीं हो रही है, वो सच्ची और अच्छी नहीं हो रही है। वो जब सच्ची और अच्छी हो जाएगी ना, जब सातों चक्र आपके जागृत हो जाएंगे, जब आप ओम के महत्व को समझने लगेंगे, जब आपकी जिंदगी में ये मूल स्वर बन जाएगा कि जैसी मति वैसी गति मेरी होने वाली है, मैं अंदर में जैसी मति वाली हूँ मेरी गति भी वैसी ही होगी, चाहे वो साढ़े साती में ही क्यों ना हो, चाहे वो शनि दशा में क्यों ना हो। तो फिर आप जब सत्य को समझ जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप अपने व्यवहार को बदलेंगे। ये सत्य को समझ लीजिए आप, यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से यह नहीं मिलता, यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से यह नहीं मिलता, इसे दिलाती नहीं कोई माला, यह दिव्य सुधा का प्याला, इसे दिलाती नहीं कोई माला, यह दिव्य सुधा का प्याला, श्रद्धा से ही झरना फूटे, ज्ञानवान ही इसको लूटे, ज्ञानवान ही इसको लूटे। तो इसलिए आपको अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान की किरण को जलाना ही पड़ेगा, और जहाँ पर ज्ञान की रोशनी होगी अंधकार नहीं रहने।